सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल टी शर्ट और टॉप का हॉल, जो कि किया है मैंने फ्लिपकार्ट से। और इस टाइप के हॉल शेयर करने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद होता है, क्योंकि देखिए आप खरीदते हैं या नहीं खरीदते वो एक अलग चीज रहती है, लेकिन होता क्या है कि जब हम कोई रिव्यू देख लेते हैं या फिर कोई चीज देख लेते हैं कि उसका साइज, फिट, फैब्रिक और प्राइस, कलर्स और उसका ओरिजिनल चीज जो होती है वो जब हम देख लेते हैं तो हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। और वो चीज हम खरीदने से पहले हमारे माइंड में एक स्ट्राइक जरूर करता है कि हाँ, ये चीज हमने वहां हॉल रिव्यू में देखी थी और ये मुझे खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। तो उसी के ऊपर आज का ये वीडियो है। और आज मैं बहुत आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल टी शर्ट टॉप हॉल, जिसमें मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कुछ टॉप्स और कुछ टी शर्ट जो कि फ्लिपकार्ट से हैं। अगेन बता रही हूँ, फ्लिपकार्ट से मैंने क्यों शॉपिंग की है, फ्लिपकार्ट से मैंने इसलिए शॉपिंग की है क्योंकि वहां पर एक तो काफी अफोर्डेबल रेंज में आपको चीजें मिल जाती हैं, दूसरी चीज ये फास्टेस्ट डिलीवरी है, डिलीवरी बहुत फास्ट हो गई है पहले से। और दूसरी चीज, अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद भी नहीं आता तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि क्यों वापस करें क्यों नहीं, आपका इजी रिटर्न है और वाइड रेंज ऑफ वैरायटी है। तो इस वजह से मैं फ्लिपकार्ट से शॉपिंग की है। तो क्या शॉपिंग की है चलिए शेयर करती हूँ आपके साथ में। तो देखिए, दिन हो या रात या कहीं जाना हो या कोई चीज समझ में ना आ रही हो, तो सबसे अच्छा और इजी और कंफर्टेबल जो परिधान है या फिर ड्रेस में बोलूं वो होता है जीन्स टॉप या फिर जीन्स टी शर्ट, है ना। उसमें हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, मेरे साथ में तो ऐसा है। बाकी आप में से किस किस को ज्यादा पसंद है वो मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि टी शर्ट एक ऐसी चीज है जो आप सुबह से लेकर रात तक पहन करके रख सकते हैं और बहुत ही ज्यादा कंफर्ट रहता है। चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप वर्किंग वुमेन हैं, आपको सबको ही बहुत पसंद आती है। तो मैंने सबसे पहले एक ये टी शर्ट की शॉपिंग की है जो कि है इस तरीके से। इसका साइज जो लिया है मैंने ये एक्सेल लिया है। और आजकल चूंकि जो क्रॉप टी शर्ट होती हैं वो ट्रेंड में आ गई हैं, तो क्रॉप टी शर्ट के ऊपर ये फायदा रहता है कि अगर आपका थोड़ा टमी एरिया है या आप टमी एरिया से थोड़े बल्की हैं तो ये बिल्कुल हाइड हो जाता है। हाई वेस्ट जीन्स के साथ में अगर इस तरह की टी शर्ट पहनते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है और टमी भी छुप जाता है। सभी के साइज जो लिए हैं वो मैंने एक्सेल साइज में ली है। ये हॉजरी कॉटन का कपड़ा है, इसके ऊपर लाइम ग्रीन और मेहंदी ग्रीन, दो ग्रीन कलर दिए हुए हैं, राउंड नेक है और पीछे के साइड से ये कुछ ऐसी है। ब्रांड की बात करूं तो मेट्रो नट करके कोई ब्रांड है और इसका प्राइस है 299 रुपीज। तो ये टी शर्ट कंफर्टेबल बहुत है, कपड़ा भी बहुत अच्छा है इसका, मतलब बहुत अच्छा तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मोटा है या वैसा है, बट हाँ अच्छा है, पहना जा सकता है, समर्स के लिए बिल्कुल अच्छा है। इसके बाद में सेकेंड जो टी शर्ट की मैं बात करूंगी वो बिल्कुल ही प्लेन बेसिक सी है, ये मुझे उतनी ज्यादा पसंद नहीं आई। हाँ, बट ये है कि प्राइस के हिसाब से ठीक है, आप नाइट में पहन सकते हैं इसको एज अ जैसे नाइट सूट की तरह, जैसे लोअर पे हम पहनते हैं तो इसको पहन सकते हैं। प्राइस की मैं बात करूं तो 233 इसका प्राइस है, सॉलिड कलर में है, कपड़ा अच्छा है और ब्लू कलर है और इस तरीके से बहुत ही बेसिक सी, बहुत ही प्लेन सी है। ये भी एक्सेल साइज में है बट ये मुझे लूज लग रही है, लेकिन मैंने जैसे कि आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं अपने साइज से एक साइज बड़ा लेती हूँ, तो मैंने सब एक्सेल साइज में ही मंगाई हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट टी शर्ट जो मैंने ली है वो ली है जूनबेरी, एक ब्रांड है फ्लिपकार्ट पर उसकी तरफ से। और ये एक टॉप, इस तरीके का टॉप है जो कि आप कहीं बाहर जाते हैं जैसे संडे को आउटिंग वगैरह के लिए तो इसको पहन सकते हैं, काफी कलरफुल सा है, समर्स में बहुत अच्छा लगता है। और ये हॉजरी कॉटन का ही इसका कपड़ा है, राउंड नेक है, अगेन ये एक्सेल साइज में है और जूनबेरी इसका ब्रांड है। इसके प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो ये थोड़ा सा प्राइस ही है, यानी 449 रुपीज है। और इसके ऊपर इस तरीके की कोट लिखी हुई है बेब, और मतलब कलरफुल है, समरी वाइब देता है। अगर आप जैसे कॉलेज गोइंग हैं, जॉब में हैं या संडे को जैसे आउटिंग के लिए जाते हैं तो इस टाइप की टी शर्ट पहनते ना अच्छा लगता है। बाकी ऑफिस वगैरह में तो नहीं, मैं आपको गलत बोलगी, बट हाँ ये थोड़ी सी कैजुअल है तो आप इसको जैसे आउटिंग वगैरह के लिए जाते हैं घर में भी पहन सकते हैं। 449 रुपीज इसका प्राइस है। अब बात करती हूँ एक और टी शर्ट की, ये मुझे काफी अच्छा लगा, ये वाला टॉप जो है, ये टॉप जो है इसका प्राइस है 249 रुपीज केवल,
ये देखिए, और ये है मैक्स की। तो अगर आपको मैक्स से टी शर्ट वगैरह लेना पसंद है तो आप इन टी शर्ट्स पर जा सकते हैं, फ्लिपकार्ट पर मैक्स का ब्रांड मिल जाएगा और इस तरीके का है। और इसका कलर जो है हल्का सा वाइन टाइप का कलर है और इसके ऊपर इस तरीके का प्रिंट है। मुझे इस तरह की प्रिंटेड टी शर्ट अच्छी लगती है और आपको ये समर्स में कूल फील कराएगी। ये काफी अच्छा लगा, राउंड नेक है। अगेन ये हॉजरी कॉटन का इसका कपड़ा है। प्राइस की बात करूं तो मैंने आपको बता दिया 249 रुपीज है। एक्सेल साइज है, कंफर्टेबल है और समर्स में अगर थोड़े से हल्के हल्के से लूज लूज से कपड़े पहनते ना तो अच्छा लगता है। इसके बाद में नेक्स्ट मैंने जो परचेस किया है वो लिया है इस तरीके का, ये रबर बैंड या हेयर बैंड का पैक लिया है। इसका प्राइस है 189 रुपीज और ये फ्लिपकार्ट पर मुझे काफ़ी अफोर्डेबल मिल गया। ये देखिए 189 रुपीज में, ये 100 से ज़्यादा हैं, इनकी क्वांटिटी मुझे याद नहीं है, लेकिन ये रबर बैंड डेली यूज़ में बहुत चाहिए होते हैं अन्वेषा के लिए भी और मुझे भी। कई बार क्या होता है मॉर्निंग में बहुत जैसे काम हम करते हैं तो रबर बैंड या हेयर बैंड बालों में होना चाहिए, तो इसीलिए ये एक मैंने लिया है। प्राइस मैंने बता दिया आपको 189 रुपीज। अगर आपको इनमें से कोई भी टी शर्ट या टॉप पसंद आता है तो आप इसको खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक ही लिंक दिया है हॉल पैक करके, उस हॉल पैक के लिंक को क्लिक करके आप इन प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा पुराना कलेक्शन भी देखना है तो एक मेरा कलेक्शन लिंक दिया रहेगा, आप उस पर क्लिक करके वो भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉप की तरफ बढ़ते हैं और ये टॉप लिया है मैंने मैक्स की तरफ से। तो ये अगेन क्योंकि मैक्स के कपड़े काफी अच्छे होते हैं तो ये मैंने यहां पर इस तरीके से फ्लिपकार्ट के ऊपर ही मैक्स करके है तो वहां से मैंने लिया है। और ये देखिए ये वाला टॉप जो है ना ये इस तरीके से फोल्ड किया हुआ है यहां से, तो ये देखने में थोड़ा सा स्मार्ट लुक देता है। और यहां पर ये जो दिया है ना होप और ये प्रिंट दिया है कितना खूबसूरत सा, ये जो दिया है ये आपको लिटरली बीड क्या है बीड से बनाया हुआ है, यानी कि मोती जैसे बनाया हुआ है, वाइट कलर का है तो समर्स में बहुत ही अच्छा लगता है। राउंड नेक है, हॉजरी कॉटन का कपड़ा है, एक्सेल साइज है और ये पीछे से कुछ इस तरीके का है और इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा अच्छी सी एक कोट लिखी हुई है, होप टू होप इट्स काइंड ऑफ कॉलिंग इट इज नॉट इट होप। ये देखिए कुछ इस तरीके से है पर्पल और ग्रीन कलर में, ये मुझे बहुत बहुत खूबसूरत लगी। और ये वाला टॉप जो है ये इसका प्राइस 249 केवल है, तो ये तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि अगर आप टॉप परचेज करने के लिए सोच रहे हो तो आप इसमें जा सकते हैं। और इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो ये है जो कि मैंने पहना हुआ है, ये भी हॉजरी कॉटन में है, क्रॉप्ड है और इसके प्राइस की मैं बात करूँ तो 399 रुपीज इसका प्राइस है, लेकिन ये मरून और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में है। वाइट बेस मैंने मैक्सिमम इसलिए परचेज किए है क्योंकि समर्स में वाइट को देख करके कूल कूल सा फील होता है, खुद को भी अच्छा फील होता है। और ये भी इसी तरीके से है, यहाँ पर रिब्ड दी है, राउंड नेक है और बहुत ही कंफर्टेबल है, क्रॉप टी शर्ट है और इसका प्राइस मैंने आपको बता दिया 399। इसके बाद में जो लास्ट है वो है कुछ इस तरीके की, ये इसका ब्रांड है HRX बाय ऋतिक रोशन और ये ब्रांड तो आपने मॉल्स वगैरह में बहुत देखा होगा। और ये कुछ इस तरह की टी शर्ट है या टॉप कहूँ, कुछ इस तरीके का टॉप है जब जो आप अपने जिम वगैरह में पहन सकते हैं, जैसे जिम जाते हैं जॉगिंग के लिए रनिंग के लिए जाते हैं तो इस तरीके का है और स्पोर्टी लुक वाला है, कुछ पीच कलर और ग्रे कलर के इसमें दिखता है, कुछ इस तरीके का है देख पा रहे होंगे आप। और इसका कपड़ा हॉजरी कॉटन नहीं है, इसका कपड़ा स्पेंडेक्स टाइप का कुछ कपड़ा है और इसके स्लीव्स के ऊपर भी ये देखिए इस तरीके से डिज़ाइन दिया हुआ है, कंफर्टेबल तो है, बैक साइड में भी इसमें थोड़ी सी लाइनिंग सी दी हुई है, बिल्कुल स्पोर्टी लुक दिया हुआ है और पीछे और ये साइड में ये ब्रांडिंग दी हुई है इस तरीके से आप देख सकते हैं। प्राइस की बात करूँ तो 399 रुपीज है। तो बस आज का हॉल इतना ही था, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा या कुछ भी हेल्पफुल लगा, थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा तो इसको लाइक जरूर कीजिए। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।